अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू पार्ट टू ऑफ अरबाब नियाज़ क्रिकेट स्टेडियम पेशावर। जो लोग पार्ट वन देख के आ रहे हैं वो यहीं पे पार्ट टू शुरू कर सकते हैं। पार्ट वन में मैंने ड्रोन फोटेज और काफ़ी सारी डिटेल शेयर की थी। जिन्होंने वो नहीं देखा तो वो काइंडली वो जाकर देख लें, आपको फिर वीडियो क्लियर होगी। पार्ट वन वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या आप चैनल में भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट टू वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ पर हमने छोड़ा था, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। डेली काम होता है यहाँ पे, एज यू कैन सी। यहाँ पे सरिया वगैरह तैयार होता है और फिर शटरिंग का काम जो है वो किया जाता है, उसके बाद फिर फिलिंग होती है। इस तरह बाकी के स्टैंड्स भी होंगे। ये दो स्टैंड्स जो हैं ये एक जैसे होंगे हाइट में, जैसे स्ट्रक्चर के मुताबिक ये लोग बनाएंगे। सामने वाला स्टैंड और ये वाला स्टैंड एक हाइट में होंगे, और वो दो स्टैंड्स एक हाइट में होंगे, ताकि इसका जो ऊपर से स्ट्रक्चर है वो लोटस फ्लावर जो होता है उसकी तरह दिखे। तो इंशाल्लाह जब बन जाएगा मैं आपके साथ ऊपर का व्यू भी शेयर करूंगा, आप देखेंगे ये लोटस फ्लावर की तरह स्टेडियम दिखेगा, बहुत खूबसूरत। काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और ये स्टैंड, इस पर भी अब शटरिंग का काम हुआ है, ये भी अब हो रहा है। सामने पवेलियन तो ऑलमोस्ट बना हुआ है, और स्क्रीन्स का मैं आपको बता देता हूँ। एक स्क्रीन यहाँ पे लगेगी इस साइड पे, और एक स्क्रीन वो उस साइड पे लगेगी। दो स्क्रीन्स लगेंगी और पिच जो है वो यहाँ पे ऐसे होगी, यूँ क्रॉस में ऐसे पिच होगी। ये सामने मीडिया बॉक्स है, और मीडिया बॉक्स के सामने यूँ पिच होगी और वो दूसरा पवेलियन एंड होगा। पहले जो है पिच ऐसे हुआ करती थी बिल्कुल उस शेप में, लेकिन जब नया पवेलियन बन गया है और मीडिया बॉक्स बना है, रेनोवेट हुआ है, तो इसके सामने बिल्कुल ऐसे यहाँ पे पिच होगी। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर के मुताबिक स्टेडियम को बनाया जा रहा है। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ सही से सुनाई नहीं दे रही, शोर है, गुजारा कर लें। तो स्क्रीन्स का भी मैंने आपको बता दिया, और अब मैं आपको इंटर होने वाले गेट्स का बता देता हूँ। एक गेट ये है, पुराने गेट्स जितने भी थे उनको रेनोवेट किया जाएगा और वो पब्लिक के लिए होंगे, एंट्रेंस होगी वहाँ से पब्लिक की। एक यहाँ पे, दो और यहाँ पे, तीन यहाँ पे, चार और इस साइड पे ये गेट, पांच। तो पुराने जो गेट्स थे वो रहेंगे, पांच गेट्स होंगे। ये वाला गेट जो है ये वीआईपी सेक्शन है, यहाँ से वीआईपी, ये वाला ऊपर फैमिली हॉल की तरह ऊपर स्टैंड होगा, यहाँ पे वीआईपी सेक्शन होगा, जैसे मैं आपसे शेयर करता हुआ आ रहा हूँ पिछली वीडियोज़ में। तो यहाँ से वीआईपी लोग आया करेंगे, और उस स्टैंड यहाँ पे जो स्टैंड होगा पवेलियन के राइट साइड पे, आप लोग पूछते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, तो उसका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इमरजेंसी सेक्शन है, जो एम्बुलेंस वगैरह होती है वो यहाँ पे खड़ी होगी, और यहाँ पे एंट्रेंस होगी, जो प्लेयर्स हैं वो इस साइड से इंटर होंगे। यहाँ से किसी को भी अलाउ नहीं होगा, सिर्फ प्लेयर आया करेंगे, और यूँ होम और अवे टीम के लिए लेफ़्ट और राइट साइड पर वो पवेलियन में जाएंगे। तो यहाँ से वीआईपी लोगों के लिए एंट्रेंस, और ये बाकी जो गेट्स हैं एक, दो तीन, चार, यहाँ से पब्लिक जो है वो इंटर होगी स्टेडियम में। पांच गेट्स हैं, और ये जो आपको गोल दिख रहा है इसका मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या है। यहाँ पे जगह बनाई हुई है जो शटरिंग वगैरह और वेल्डिंग का काम होता है, वेल्डिंग का काम यहाँ पे किया जा रहा है, जगह बनाई है। ये गोल गोल आपको दिख रहे होंगे शेप, गोल शेप में। इसको ऊपर जब ये स्टैंड बन जाएंगे यहाँ पे यूँ गोल लगाया जाएगा, जैसे दुबई की स्टेडियम की तरह, लेकिन इसका डिज़ाइन उससे मुख्तलिफ होगा, और फिर उसके ऊपर टेंसाइल शीट जो है वो इंस्टॉल की जाएगी, जैसे दुबई स्टेडियम में है। तो यहाँ तक ये हाइट पूरी हो जाएगी स्टैंड्स की, और इसके ऊपर फिर वो शीट्स लग जाएंगी ऐसे गोल। तो बड़ा खूबसूरत फ्लावर की तरह स्ट्रक्चर आएगा इसका, और ऊपर से इसका व्यू बड़ा फिट आएगा। तो ऐसे यहाँ पे ऊपर, यहाँ से मैं क्लोज से दिखा देता हूँ, यहाँ तक हाइट पूरी हो गई इसकी। इसके ऊपर अब ये पिलर्स थोड़े जाएंगे, और इसके अंदर ये गोल जो आपको डिज़ाइन दिख रहा है लोहे का, ये ऊपर इंस्टॉल किया जाएगा पूरे स्टेडियम पे, ऐसे यहाँ पे यूँ पूरा इंस्टॉल होगा इस साइड पे। तो इसका स्ट्रक्चर और भी खूबसूरत होगा। अगली अपडेट मैं आपको देता चलूँ। आप लोग पूछते हैं लाइट्स का, तो वो मैंने आपसे कहा हुआ है यहाँ पे LED लाइट्स इंस्टॉल की जाएंगी, और उसका मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। ये दो बड़े स्टैंड्स जो हैं, ये वाला और वो वाला, और इस साइड की ये दो बड़े स्टैंड्स हैं, इनके ऊपर यूँ
रिंग ऑफ फायर जैसी लाइट्स होती हैं, लेकिन इन स्टैंड्स के ऊपर होंगी वो, और इन स्टैंड्स के ऊपर इंस्टॉल की जाएंगी। तो उससे स्टेडियम में जो फ्लड लाइट्स की ज़रूरत है वो LED लाइट से पूरी की जाएगी, और उससे और भी व्यू बड़ा फिट आएगा। तो ऐसे यहाँ पे इसको कवर किया जाएगा और LED लाइट्स इंस्टॉल की जाएंगी इन बड़े स्टैंड्स के ऊपर, और इन स्टैंड्स के ऊपर LED लाइट्स होंगी। सामने ये जो स्टैंड्स की हाइट मैंने जैसे आपको बताया है, ये थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी के स्टैंड से, ताकि स्टेडियम के स्ट्रक्चर को लोटस फ्लावर की तरह बरकरार रखा जा सके। आप देख सकते हैं ये हाइट में थोड़े से ऊपर यहाँ पे नीचे होंगे ये दो स्टैंड्स, और बाकी के स्टैंड बड़े होंगे। ये बन जाए फिर ऊपर से आप इसको इसका व्यू देखेंगे, बहुत खूबसूरत व्यू आएगा। अच्छा, ये जो है सामने बैठे हैं कवर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ये रिमोट के ज़रिए जो है इस मशीन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है कंस्ट्रक्शन के लिए, हर तरह से ख्याल रखा गया है, और इसको अब ऑफ़ किया जा रहा है, फिर वक्फे के बाद यहाँ पे काम फिर शुरू होगा। जिसे आप सिंपल ज़बान में माल वगैरह कहते हैं ना, वो माल सब कुछ फंड्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, काम अब हो रहा है। कल जो मिनिस्टर थे उन्होंने भी विज़िट किया था स्टेडियम का, और काफ़ी इंस्ट्रक्शंस दी थी, ब्रीफिंग्स भी दी थी कि काम को इस तरह बरकरार रखा जा सके। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें, कुछ आपको सजेस्ट करना हो तो भी बता सकते हैं। एक बार फिर बता देता हूँ, पिच यूँ होगी, यूँ क्रॉस में पिच होगी ऐसे मीडिया बॉक्स के सामने। चलिए अब मैं नीचे उतर जाता हूँ, इससे पहले कि मेरी हड्डियाँ टूटे, मैं सही सलामत मुझे उतर जाना चाहिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, काफ़ी खुआरियाँ वेलनी पड़ती हैं आप लोगों के लिए, कहाँ से कहाँ पर चढ़ा दिए मुझे। अच्छा, ये नीचे से भी स्टैंड देख लें, ऊपर काम हो रहा है ऊपर वाले स्टैंड के लिए, और ये नीचे से आप पिलर्स का पूछते हैं, उसका मैं आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि पीछे साइड पे स्पेस बहुत कम होने की वजह से यहाँ पे पिलर्स लगाना पड़े, वरना यहाँ के इंजीनियर्स जो हैं वो हमसे बेहतर जानते हैं, वो एवी इंजीनियर नहीं बने, उनको ये सब पता है और वो इसी के मुताबिक काम कर रहे हैं। स्पेस कम होने के बावजूद भी इतना बड़ा स्टेडियम यहाँ पे बनना, ये भी बहुत बड़ी बात है, और वो भी डबल स्टैंड, और फिर यहाँ पे चेयर्स इंस्टॉल होंगी। आप देख लें, चेयर्स यहाँ पे रंग बिरंगी इंस्टॉल की जाएंगी, मैंने कंफर्म करवाया है, और पीछे साइड पे आपको हॉस्टल भी दिख रहा होगा, तो उससे स्टेडियम का व्यू और भी खूबसूरत आएगा। चेयर्स की इंस्टॉलेशन तो हो जाएगी, वो फिर आपको दिख भी जाएगा। एक और अपडेट आपको देता चलूँ, काफ़ी लोग पूछते भी हैं कि ये स्टैंड्स जो हैं इनमें कैसे एंटर होंगे, ऊपर वाले स्टैंड पे कैसे जाएंगे, स्टेयर्स कहाँ पे होंगी। तो जो गेट्स आपको नज़र आ रहे हैं 4 से 5, इन्हीं गेट्स के ऊपर स्टेयर्स होंगी, तो उन स्टेयर्स के ज़रिए आप ऊपर वाले स्टैंड्स में और नीचे वाले स्टैंड्स में एंटर हो सकेंगे।